everyone, this is Sarosh from Tourism School. Today I'll give you two important tips on how to crack the interview. दो सबसे बढ़िया तरीके इंटरव्यू क्लियर करने के लिए. देखिए, पहले सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण रोल जो होता है इंटरव्यू में वो होता है बॉडी लैंग्वेज का. जिस तरीके से आप इंटरव्यू रूम में एंटर करते हैं, जिस तरीके से आप बैठते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, इसी से 50% सिलेक्शन आप और रिजेक्शन आपका हो जाता है. इंटरव्यूअर अपने मन में आपका एक इंप्रेशन क्रिएट कर लेता है और वो इंप्रेशन रहता है आगे तक भी. तो जब भी इंटरव्यू रूम में जाए, स्माइल करें, वॉक कॉन्फिडेंटली, सिट प्रॉपरली. अगर आपको बोला जा रहा है बैठने के लिए तो आप बैठें, अदरवाइज आप खुद भी पूछ के बैठ सकते हैं. इसके बाद इंटरव्यू आपसे पूछेगा हाउ आर यू. ये सवाल ये सिर्फ इसलिए पूछा जाता है कि आपको कंफर्टेबल कर पाए इंटरव्यूअर. अगर इंटरव्यूअर ने नहीं पूछा है तो आप भी पूछ सकते हैं, सिर्फ एक कंफर्टेबल जोन क्रिएट करने के लिए इंटरव्यूअर और इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है. जो पहला फॉर्मल सवाल आएगा आपसे इंटरव्यू के बारे में वो आएगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ और टेक मी थ्रू योर सीवी, अपने बारे में बताइए. इसमें इंटरव्यूअर ये जज करने की कोशिश नहीं कर रहा है कि आपके सीवी में क्या लिखा है या आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं. इतने सारे लोगों के इंटरव्यू ले रहा है इंटरव्यू, उसको ये सब याद नहीं रहने वाला है. वो सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा है, आपको एक्चुअली जज कर रहा है कि आप कितने अच्छे से आंसर कर पाते हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं. कम्युनिकेशन स्किल से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश में जवाब दीजिए, आप इंग्लिश में दीजिए या हिंदी में दीजिए जवाब, बट फ्लुएंटली दीजिए. और इसके अंदर अगर आप फ्रेशर हैं, इसका आंसर आप इस तरीके से कर सकते हैं कि पहले अपना नाम बताएं, उसके बाद अपने कोर्स के बारे में बताएं और क्या सीखा है कोर्स में वो बताएं. अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो अपने नाम से शुरुआत कर सकते हैं और उसके बाद जो आप करेंट रोल अदा कर रहे हैं कंपनी में वो बताएं कम से कम शब्दों में. अब यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है, या तो जब अपने कोर्स के बारे में आप बताएं तो उस चीज से स्टार्ट करें, उस टॉपिक से स्टार्ट करें जो आपको बहुत अच्छे से आता है, या फिर उस टॉपिक से स्टार्ट करें जो जॉब प्रोफाइल जिस बारे में है, जिस टॉपिक के बारे में. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप GDS के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपने ट्रैवल का कोर्स किया है तो आप ऐसे जवाब दे सकते हैं, आई एम सरोश, आई हैव डन एविएशन एंड ट्रैवल मैनेजमेंट कोर्स फ्रॉम द टूरिज्म स्कूल. इन दिस कोर्स आई हैव बीन ट्रेन्ड प्रैक्टिकली ऑन GDS सिस्टम अमेडियस. आई नो हाउ टू क्रिएट PNR. आई कैन फाइंड आउट द चीपेस्ट फेयर. आई नो हाउ टू हैंडल क्यूज. एयरपोर्ट की टर्मिनोलॉजीज, कोड्स मुझे सब बहुत अच्छे से आते हैं. इसके साथ साथ मैंने वीजा, एयरपोर्ट मैनेजमेंट, होटल कैसे बुक किए जाते हैं, एकोमोडेशन कैसे बुक की जाती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी जैसे टॉपिक्स भी सीखे हैं. एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं यहाँ पर. अगर आप सपोज HR के रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं, माय नेम इज सरोश, आई हैव डन ह्यूमन रिसोर्स डिप्लोमा फ्रॉम द टूरिज्म स्कूल. मैंने अपने कोर्स के दौरान CVs कैसे स्क्रीन किए जाते हैं, CVs को कैसे शॉर्टलिस्ट करते हैं, इंटरव्यूज कैसे लेते हैं, मैंने खुद इंटरव्यूज लिए हैं, कौन सा डेटाबेस मेंटेन किया जाता है, ऑफर लेटर कैसे बनाते हैं, ये सब सीखा है. और मैंने इसके साथ साथ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, सैलरी कैसे बनाते हैं, कॉम्पेंसेशन भी कवर किया है इसके अंदर मैंने. तो इससे क्या होता है, आप पूरा का पूरा इंटरव्यू अपनी तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं. आप जो बोलेंगे इंटरव्यूअर उसी के बारे में पूछेगा. और अगर आप जो जॉब प्रोफाइल है उससे लिंक्ड बातें ज्यादा बताते हैं तो इंटरव्यूअर को ये हिंट मिल जाता है कि आपने ये सब चीजें सीखी हैं अच्छे से. उसके बाद जो अगला सवाल आएगा वो यही पूछेगा इंटरव्यूअर कि आपने GDS में क्या सीखा, आप PNR क्रिएट कर सकते हैं क्या, या फिर आप मुझे सिंगापुर का एयरपोर्ट कोड बताइए या बैंकॉक का एयरपोर्ट कोड बताइए. तो आप खुद क्वेश्चंस इनवाइट कर रहे हैं. जब आप खुद क्वेश्चंस इनवाइट करते हैं तो आपको ऑलरेडी आंसर आते होते हैं, क्योंकि आपने जो प्रिपेयर किया है उसी में से इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछेगा. कुछ बेसिक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इंटरव्यू में HR रिलेटेड, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं. मैं आगे भी बताऊंगी और क्वेश्चंस के कैसे आंसर किए जाते हैं अगले हफ्ते बताऊंगी. तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. सो दिस इज सरोश फ्रॉम द टूरिज्म स्कूल.